जाने क्यों ये मन है सुना, ना जाने कैसी है ये तन्हाइयां, ना जाने क्यों ये मन है सुना, मैं अधूरा निहार बेटा। हाँ? अब सो जाओ। माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे कहानी सुनाओ ना। बेटा मुझे कहानी कहाँ आती है। निहार बेटा मैंने तो तुम्हें सारी बातें बता दी, अब सब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें क्या करना है। माँ मुझे स्कूल में मास्टर जी ने कहा था कि अगर हम दूसरों की मदद करें तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। हाँ बेटा जरूर करते हैं, हमें मदद करनी चाहिए। और एक बात माँ, मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, सिर्फ थोड़ी ही तो दूर है, और आप सबसे मिलने के लिए मैं आती रहूँगी। बेटा रुको, आज मैं तुम्हें बहुत ही कीमती चीज दूंगी। क्या है माँ? माँ आप क्या ढूंढ रही है? कहाँ रखा था मैंने? ये मिल गया। क्या है माँ? ये क्या है माँ? लॉटरी की टिकट। माँ ये तो बहुत पुराना है। हाँ बेटा। और इसका तारीख भी चला गया है। हाँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। माँ ये 100 रुपए का टिकट आपके लिए इतना कीमती क्यों है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे पिताजी चले गए थे वे मुझे ये टिकट देकर गए थे, और तब से मैं ये टिकट बहुत ही संभाल कर रखी हूँ। ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है बेटा। आज मैं ये तुमको सौंप रही हूँ, तुम भी इसे बहुत ही संभाल कर रखना। हाँ माँ मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। मेरी बच्ची। अरे जीपकान कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था एक बार गांव होके आऊं। अच्छा लेकिन तुम ही तो कह रहे थे कि बाढ़ की वजह से तुम्हारा वो गांव तबाह हो गया था। हाँ भाई साहब, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में नया रास्ता बन गया है, लोग उसी से ही काम चला रहे हैं। अच्छा तो फिर रुको, आज मैं भी तुम्हारे साथ वो तुम्हारे गाँव देखने जाऊंगा, ठीक है? लेकिन आप इतने दूर गाड़ी लेके जाएंगे? तुम सोच रहे हो कि ये बूढ़ा आज कैसे अपनी गाड़ी लेके वो गांव तक जाएगा? हाँ यही सोच रहे थे ना। अरे भाई मैं भी कुछ फालतू बातों से इन दिनों डर रहा था, लेकिन कल रात को मैंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया, अरे ये तो मेरा एक छोटा बहम था। जहाँ इंसान के जीवन का ही कोई मूल्य नहीं है, वहाँ एक गाड़ी के लिए सोच के क्या फायदा, बोलो। चलो चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलता हूँ। अरे तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊंगा, कुछ बातें भी करेंगे। इस बूढ़ा को तो अपने बच्चों ने ही छोड़ के चले गए, लेकिन वो कमी पूरा करने के लिए अब तुम आ गए हो। आपका बहुत मेहरबानी है।
ठीक है, और सुनो और एक बात, आज से हमारे यहाँ रहने के लिए एक छोटी सी बच्ची भी आ रही है, तो फिर तुम रुको, मैं अपना ये ड्रेस चेंज करके आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद मैं तो कहीं भूत नहीं देखा ना। अच्छा बेटा, जीत गया। नहीं मौसी, भगवान की कृपा से मैं बच गया। अच्छा, तुम्हारा भाई, बीबी और बेटी कहाँ है? मौसी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। भाई साहब, ये मौसी है, हमारे प्यारी मौसी। नमस्कार। गांव के लोगों को इकट्ठा रखने में इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो सब तो बाद में है, आपको जीपकान सारी बातें अच्छी तरह से बताएगा, ठीक है? क्योंकि आज बिहू है और बिहू की अवसर पर हम लोग कोई दुख वाली बात नहीं करेंगे। हाँ। सारी बातें हम लोग खुशी की ही करेंगे, चलेगा? हाँ, ठीक है। अरे ये देखिए, आओ आओ, कैसे हो भाई साहब? ये है तारिक। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। ये है मोहन थापा। नमस्कार, कौस्तु छो? राम रचो। ये है हमारे गांव में साइकिल रिपेयरिंग करने वाला राम बिलास साहू। अच्छा, और बाकी ये सब हमारे भाई बहन जैसे। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। साहब, मैंने आपसे कहा था ना, हम लोग सभी एक साथ मिलकर बिहू मनाते हैं, देखिए। हाँ दादा, हम लोग सब यहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ बिहू भी मनाते हैं। ये लेकिन बहुत बढ़िया काम है। हाँ, आज बिहू के दिन आई हो तो खाना खा के ही जाना। बच्चों ने बड़ी बड़ी मछली पकड़ा। अच्छा? हाँ, बहुत मजा आएगा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। शुक्रिया। तुम ही निहार हो ना? हाँ जी। ये है आज से तुम्हारा घर। अरे जीपकान, मुझे लेकिन तुम्हारा गांव, यहाँ के लोग, यहाँ के वातावरण बहुत अच्छा लगा। ये सब देख के मेरा मन खुश हो गया, समझ रहे हो? और सुनो, इसीलिए मैं आज तुम्हें एक सरकारी अफसर के पास ले जा रहा हूँ। हालांकि वो एक रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन बहुत ज्ञान विशेष व्यक्ति है। पर वो क्या करते हैं भाई साहब? अरे, वो एक कृषि वैज्ञानिक है और सरकार की तरफ से किसान को दी जाने वाली हर योजना के बारे में वो जानते हैं। हाँ, हाँ, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, चलो।
भार्गव। अरे अरे माधव, कैसे हो यार? बस बढ़िया। और क्या बात है हाँ, आजकल तो तुम अखबारों में टीवी पे छाए हुए हो हाँ। अरे बोलो मत यार दोस्त, सोचा था टाइमिंग के बाद थोड़ा घर में बैठ के आराम करूंगा, पर नहीं, ये जो साग सब्जियां ये सब देख रहे हो ना, ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा तुम यहाँ कैसे? ओ अरे इनसे मिलो, ये है मेरा भाई हाँ जीपकांत। नमस्कार। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी बहुत सारी जमीनें ऐसे ही पड़े हुए हैं। सोच रहा हूँ इनकी मदद से वहाँ व्यावसायिक रूप से फसल उगाऊं। क्या इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो सब्जियां देख रहे हो ये सब ऑर्गेनिक फार्म से आया हुआ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं हमारे किसानों को, आर्थिक और तकनीकी दोनों, और ये फसल बेचने के लिए बहुत सुविधा दे रहे हैं हमारे कृषि विभाग। तो फिर हमें भी तो ये सुविधा लेनी चाहिए ना हाँ, और इसका भरपूर फायदा भी लेना चाहिए। अच्छा तो फिर हमें इसके लिए क्या करना होगा बताओ तो? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे जमीन की कागजात और पैन कार्ड का कॉपी और बैंक अकाउंट का डिटेल्स लेके जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस में आ जाना, बाकी मैं कर दूंगा। ठीक है, आज तुम शायद बिजी होगे, मैं समय जाया नहीं करते हुए सारे कागज के साथ मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। ठीक है तो आज मैं चलूँ? ठीक है चलो, मैं छोड़ देता हूँ। ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है बेटा, आज मैं ये तुमको सौंप रही हूँ। या आई मौसी। सावित्री। हाँ दीदी। निहार के बिना घर कितना सुना लग रहा है ना? हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ। इतने सालों में आज ही निहार मेरे से दूर गई है। तुम चिंता मत करो सावित्री, निहार वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे पता है जया मामी कितनी अच्छी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन लोगों के मन में अपने बच्चों को लेकर कितना दुख है। इतने सालों से उनके बच्चे उनसे दूर है, एक बार भी घर आने का नाम ही नहीं लिया। आज निहार मेरे से दूर है और मुझे आज एहसास हुआ है बच्चों से दूर रहने का दुख क्या होता है। बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। निहार, निहार, मेरे निहार को लेकर जा रहे हैं, निहार, निहार, कोई उसे बचा।
सावित्री? मेरे निहार को कोई ले गया दीदी, मेरे निहार को कोई ले गया। नहीं नहीं, मेरे निहार को कोई ले गया। सावित्री? हाँ। सुनो तो। क्या हुआ? ये लो, संभाल के रखना, कहीं खो ना जाए। ये क्या है? शहर में एक लॉटरी खेल होने वाला है, मैं निहार के नाम से ये टिकट लाया। आपका पैसा ज्यादा हो रहा है क्या, जो ये फिजूल खर्चे कर रहे हैं? सावित्री, अभी तो तुम ऐसे बोल रही हो, अगर लॉटरी लग गई तो हमें 3 लाख रुपए मिलेगा। टिकट खो दिया, मम्मी मुझे डांटेगी। कहां गई? मम्मी ने कहा था वो बहुत कीमती था, अब वो मुझे डांटेगी। क्या हुआ बेटी, इधर आओ तो। यहाँ आओ बेटी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मेरी एक चीज खो गई है, जो मुझे माँ ने दी थी और माँ को पिताजी ने। क्या चीज बेटी? एक लॉटरी का टिकट। कहीं ये तो नहीं? हाँ यही है। ये आपके पास कहाँ से आई? मैं भी तुम्हें यही बात पूछने वाला था। बेटी, ये टिकट तुम्हारे पास कहाँ से आई? बेटी, तुम्हारे माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम सावित्री है। सावित्री? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? निहार? माँ? आप? सावित्री? सावित्री? कहाँ नहीं ढूंढा। हमने भी आपको बहुत ढूंढा, मुझे पूरा विश्वास था कि आप एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। देखिए, मैंने अपनी मांग का सिंदूर नहीं मिटाया। सावित्री, वो देखिए अपने निहार। निहार? पिताजी। निहार बेटा, ये देखो तुम्हारे पिताजी मिल गए। बेटा। हाँ।
तो आखिर तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बच्ची मिल ही गई ना? जीवकांत, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। हाँ, भगवान है। अरे, सब कुछ तो भगवान के इशारे पे ही चलता है ना। अगर भगवान ना होता तो मैं और जया क्या तुम लोगों से मिल पाते? हाँ, तुम ही बताओ। ताऊ जी, आप ठीक ही बोल रहे हैं। आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे अरे, रहने दो। तुम लोग मिल गए, मतलब तुम, मेरा बेटा मिल गया, मेरी बहू मिल गई और इतनी प्यारी सी मेरी पोती मिल गई। हाँ, जाने की